गुड मॉर्निंग फर्स्ट ईयर, आइए डिस्कस करते हैं हम नेक्स्ट क्लास जिसका नाम है ब्रायोसिडा। ब्रायोफाइट्स जो हम पढ़ रहे थे उसमें थर्ड क्लास है जिसे हम डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, ब्रायोसिडा जो क्लास है इसकी लाइफ साइकिल में टू ग्रोथ स्टेजेस पाई जाती हैं, यानी इसकी पूरी लाइफ साइकिल दो ग्रोथ स्टेजेस के अंदर डिवाइडेड है। एक ग्रोथ स्टेज कहलाती है इसकी प्रोटोनिमा स्टेज और दूसरी ग्रोथ स्टेज इसकी कहलाती है लीफी स्टेज। यानी प्रोटोनिमा स्टेज स्टार्टिंग स्टेज है, आप इसे यंग स्टेज भी कह सकते हैं या जुविनाइल स्टेज भी इसे कहा जाता है। और इसी प्रोटोनिमा स्टेज का जब आगे ग्रोथ होती है तब इसमें से लीफी स्टेज का फॉर्मेशन होता है। देखिए, हम इन दोनों स्टेजेस को एक एक करके पहले डिस्कस करते हैं। देखिए, प्रोटोनिमा स्टेज जो होती है, जैसे मैंने आपको बताया कि जुविनाइल या फिर जिसे आप कह सकते हैं यंग स्टेज है इसकी लाइफ साइकिल का, और ये प्रोस्टेट स्ट्रक्चर होता है। प्रोस्टेट का मतलब है कि पहले हॉरिजॉन्टल है, फिर धीरे धीरे करके जब इसकी ग्रोथ होगी तो ये इरेक्ट कंडीशन में डेवलप होता जाएगा। तो ये प्रोस्टेट स्ट्रक्चर है, क्रीपिंग स्ट्रक्चर है। इसका जो मेजर पार्ट है वो जनरली जमीन को टच करता हुआ यानी हॉरिजॉन्टल टू द सरफेस डेवलप हो जाता है। और इसका जो कलर है, अगर इसको हम देखें तो ये ग्रीन कलर है। ब्रांच स्ट्रक्चर ये होता है और फिलामेंटल स्ट्रक्चर है यानी तंतुनुमा संरचना वाला ये स्ट्रक्चर होता है। इसका जो डेवलपमेंट है ये स्पोर्स के थ्रू होता है, यानी स्पोर जब जर्मिनेट होता है तब फाइनली जो पहली स्टेज आती है वो प्रोटोनिमा स्टेज कहलाती है। और अगर लाइफ साइकिल में हम देखें तो इस पूरी लाइफ साइकिल जो है इस क्लास के मेंबर्स की, उस लाइफ साइकिल में सिर्फ एक ही वेजिटेटिव स्टेज पाई जाती है जो कि प्रोटोनिमा स्टेज होती है। इसके अलावा कोई भी वेजिटेटिव स्टेज इसमें अवेलेबल नहीं होती है, सारी जो इसके अंदर है वो रिप्रोडक्टिव स्टेजेस अवेलेबल होती है। अब हम बात करते हैं लीफी स्टेज की। ये लीफी स्टेज को हम गैमेटोफोर स्टेज भी कहते हैं, और ये जो स्टेज है ये इरेक्ट स्टेज है। इरेक्ट मीन्स जमीन से सीधे वर्टिकली ऊपर की तरफ इसका डेवलपमेंट होता है। ये सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है यानी बेलनाकार आकृति का स्ट्रक्चर है, और इसके अंदर बहुत से लीव्स की अवेलेबिलिटी होती है और सेक्स ऑर्गन्स इसमें पाए जाते हैं। जैसा इसके नाम से पता चल रहा है कि ये लीफी स्टेज है तो इसमें लीव्स की अवेलेबिलिटी है और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी इसके अंदर बहुत सारे पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में देखिए, इसका जो मध्य अक्ष है यानी कि जो इसका मेन एक्सिस है वो ब्रांच्ड भी हो सकता है और अनब्रांच्ड भी हो सकता है। कुछ मेंबर्स में देखा जाता है कि ये ब्रांच्ड है, कुछ में ये अनब्रांच्ड भी पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट में देखिए, ब्रांचेस की जो इसमें अवेलेबिलिटी है वो जनरली जो लीव्स हैं, यानी लीव्स ऊपर और उसके नीचे से ब्रांचेस का फॉर्मेशन होता है, यानी बिलो द लीव्स ब्रांचेस का फॉर्मेशन होता है इस क्लास के मेंबर्स में जनरली, अगर ये ब्रांच स्ट्रक्चर है तो। चलिए अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं ग्रोथ स्टेजेस के बाद में। अगला स्ट्रक्चर इसके अंदर आता है लीव्स। देखिए, जो लीव्स इस क्लास के मेंबर्स में पाए जाते हैं सिंपल लीव्स हैं, साइज में काफी छोटे होते हैं यानी माइन्यूट है। सिसाइल है, सिसाइल मीन्स इनमें पीटीओल अवेलेबल नहीं होता है, यानी कि लीफ को स्ट्रक्चर से मेन प्लांट बॉडी से कनेक्ट करने के लिए कोई और कनेक्टिंग स्ट्रक्चर नहीं है, स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर नहीं है, जिसे पीटीओल कहा जाता है। और अगर पीटीओल एब्सेंट होता है तो ऐसा लीफ सिसाइल लीफ कहलाता है। इसमें मिडरिब की अवेलेबिलिटी होती है, मिडरिब यहाँ पाई जाती है, एंड जो लीफ है वो जनरली वन सेल थिक स्ट्रक्चर है, यानी पूरा का पूरा लीफ एक ही सेल से डेवलप हो जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं, हम बात करते हैं राइजोइड्स के बारे में। राइजोइड्स इस क्लास के मेंबर में मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है यानी बहुकोशिकीय संरचना है। ब्रांच स्ट्रक्चर होते हैं ये, और इसके अंदर ऑब्लिक सेप्टा की अवेलेबिलिटी होती है। ऑब्लिक सेप्टा कैसे, अगर देखिए मान लीजिए ये कोई राइजोइड है और इसको हम माइक्रोस्कोप के नीचे देख रहे हैं तो इसमें ये सेप्टा है जो एक तिरछे यानी कि ऑब्लिक पाए जाएंगे। अगर ये इस तरीके से अवेलेबल होते हैं बिल्कुल सीधे सीधे तो ये वर्टिकल सेप्टा कहलाते हैं। इस तरीके से जो अवेलेबल होते हैं इन्हें ऑब्लिक सेप्टा कहा जाता है। तो ऑब्लिक सेप्टा की अवेलेबिलिटी इस क्लास के मेंबर्स में पाई जाती है राइजोइड्स के अंदर। चलिए अब हम इसकी एक्सिस की बात करते हैं, जो इसका मध्य अक्ष है। इसका जो एक्सिस है वो दो पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड रहता है, एक पार्ट इसका सेंट्रल पार्ट कहलाता है, दूसरा इसका मार्जिनल यानी कि पेरिफेरल पार्ट कहा जाता है। तो सेंट्रल पार्ट के चारों तरफ पेरिफेरल पार्ट की अवेलेबिलिटी होती है। सेंट्रल पार्ट जो है इसी के अंदर सारे कंडक्टिंग टिश्यूज अवेलेबल होते हैं, यानी वाटर और मिनरल्स को यानी न्यूट्रिएंट्स को एक एरिया से दूसरे एरिया यानी एक स्ट्रक्चर से दूसरे स्ट्रक्चर तक ले जाने का काम करने वाले टिश्यूज इसी सेंट्रल एरिया में पाए जाते हैं। पेरिफेरल एरिया जो है वो कॉर्टेक्स
कॉर्टेक्स एरिया कहलाता है, कॉर्टिकल सेल्स के अंदर अवेलेबल होता है। कॉर्टिकल एरिया इसे कहा जाता है, यहाँ के अंदर की जो कंडक्टिंग टिश्यूज हैं वो अवेलेबल नहीं है, सिर्फ ये प्रोटेक्शन के लिए अवेलेबल होता है। नेक्स्ट वन में देखिए वेजिटेटिव प्रिकॉशन की हम बात करते हैं। काइल जरन जो है इस क्लास के मेंबर्स में काफी सारे तरीकों से अवेलेबल है, बहुत सारी चीजें हम चैनल क्रिकेटर्स में पढ़ चुके हैं और पहली दो क्लासेस में पढ़ चुके हैं। तो देखिए वेजिटेटिव प्रिकॉशन के लिए इस क्लास के मेंबर्स में फ्रेगमेंटेशन है, विखंडन का तरीका है, स्टॉलिन फॉर्मेशन है, गैमा फॉर्मेशन है, प्रोटोनिमा फॉर्मेशन है, इसके अलावा और भी बहुत सारे कॉमन तरीके हैं वेजिटेटिव प्रिकॉशन के। अब हम सेक्स ऑर्गन्स की बात करते हैं, इसमें जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं सेक्स ऑर्गन जिन्हें हम कहते हैं, तो ये ग्रुप्स के अंदर डेवलप होते हैं और वहां पर जो ब्रांचेस हैं उनके बिल्कुल टिप वाले एरिया पे टॉप मोस्ट पार्ट के ऊपर इनकी अवेलेबिलिटी होती है, यानी एपिकल एरिया में इनकी अवेलेबिलिटी होती है ब्रांचेस की। नेक्स्ट वन में देखिए जो सेक्स ऑर्गन्स हैं इनके बेसिस पे जो प्लांट बॉडी है वो मोनोशियस या डायोशियस हो सकती है। मोनोशियस एंड डायोशियस क्या होता है, अगर हम मोनोशियस की बात कर रहे हैं, मोनोशियस का मतलब है कि जो मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स हैं वो सेम प्लांट बॉडी के ऊपर अवेलेबल होंगे, यानी एक ही प्लांट बॉडी पे दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की अवेलेबिलिटी होती है, तो वो ऐसी प्लांट बॉडी मोनोशियस प्लांट बॉडी कहलाती है। इसी तरीके से अगर डायोशियस की हम बात करें तो इसका मतलब ये है कि जो मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स हैं वो डिफरेंट प्लांट बॉडी के ऊपर अवेलेबल होते हैं, यानी अलग अलग प्लांट बॉडी के ऊपर मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की अवेलेबिलिटी होती है। इसलिए जिस प्लांट बॉडी पे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो मेल प्लांट बॉडी कहलाएगी और दूसरे जिस प्लांट बॉडी के ऊपर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो फीमेल प्लांट बॉडी कहलाती है। तो मोनोशियस एंड डायोशियस प्लांट बॉडी इस क्लास के मेंबर्स में पाई जाती है। अब देखिए हम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की बात कर रहे हैं तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वो एंथीडिया कहलाता है। इस एंथीडिया का जो शेप होता है ये क्लब शेप स्ट्रक्चर है, क्लब शेप मींस कुछ ऐसे स्ट्रक्चर इसके अंदर पाया जाता है, जो बेस है काफी इसका सकरा होता है, ऊपर का स्ट्रक्चर थोड़ा बड़ा होता है, तो क्लब शेप स्ट्रक्चर है, नैरो स्ट्रक्चर है, यानी साइज में तो इस तरीके से देखा जाए तो थोड़ा बड़ा है ऊपर का हिस्सा, बट जनरली ये पूरा स्ट्रक्चर काफी नैरो होता है, सकरा होता है। इलॉन्गेटेड स्ट्रक्चर है, यानी लंबाई लिए हुए स्ट्रक्चर होता है। इसके चारों तरफ एक जैकेट की अवेलेबिलिटी होती है जो कि इसको प्रोटेक्ट करने का काम करती है और ये जैकेट जो है वो सिंगल लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए एंथ्रोजोइट्स की हम बात करते हैं। एंथ्रोजोइट्स में है मेल गैमेट्स हैं, नर युग्मक हैं जो कि इस एंथीडिया के अंदर से डेवलप होंगे और ये एंथ्रोजोइट्स क्लास के मेंबर्स में बाइफ्लैजेलेट होते हैं, यानी दो फ्लैजेला वाले स्ट्रक्चर होते हैं और स्प्रिंग के जैसे घूमे हुए होते हैं, यानी कि इस तरीके से कॉइल स्ट्रक्चर होता है। चलिए अब हम आर्चिगोनिया की बात करते हैं। आर्चिगोनिया फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, तो ये स्टॉक स्ट्रक्चर है, यानी मेन प्लांट बॉडी से इसे कनेक्ट करने के लिए स्टॉक डेवलप हुआ है। इलॉन्गेटेड इसके अंदर नेक पाई जाती है, यानी दो हिस्से इसके अंदर अवेलेबल है आर्चिगोनिया में, एक इसका नेक वाला एरिया और एक इसका वेंटर वाला एरिया, इस तरीके से इसकी अवेलेबिलिटी होती है। ये इसका नेक है और ये इसका वेंटर एरिया है, तो नेक वाला एरिया जो है वो इलॉन्गेटेड स्ट्रक्चर है और इसका जो वेंटर वाला निचला एरिया है वो बिग स्ट्रक्चर है, बड़ा स्ट्रक्चर है, उसी के अंदर एग की अवेलेबिलिटी होती है। सॉरी नेक्स्ट पॉइंट में देखिए अब हम स्पोरोफाइट की बात करते हैं। गैमेटोफाइट के ऊपर स्पोर प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर यानी स्पोरोफाइट डेवलप होता है और स्पोरोफाइट के तीन पार्ट्स अवेलेबल होते हैं, या हम कह सकते हैं स्पोरोफाइट तीन पार्ट्स में सब डिवाइडेड है। एक पार्ट इसका फुट कहलाता है, दूसरा पार्ट सेटा कहलाता है, तीसरा पार्ट कैप्सूल कहलाता है, जैसा हमने इससे पहले वाली क्लास के अंदर देखा। अब देखिए सेटा स्ट्रक्चर जो है ये ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो कि थोड़ा सा इलॉन्गेटेड है और कैप्सूल को ये एक हाइट तक उठा देता है ऊपर की तरफ, जिसकी वजह से कैप्सूल जब ओपन होता है तो उसके अंदर से स्पोर्स ज्यादा दूर तक इजिली फैल सके, डिस्पर्स हो सके, तो ये हेल्प करने का काम करता है सेटा स्ट्रक्चर। अब देखिए जो कैप्सूल की हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट में, कैप्सूल जो है उसके चारों तरफ एक पेरिटोन लेयर की अवेलेबिलिटी होती है और ये जो पेरिटोन लेयर है ये स्पोर डिस्पर्सल में अपना मेजर रोल प्ले करती है। नेक्स्ट पॉइंट में देखिए जर्मिनेशन की अगर हम बात करें तो स्पोर कैप्सूल से बाहर आ गए, स्पोर का जर्मिनेशन हुआ, स्पोर में जर्मिनेशन होने के बाद में
पहली स्टेज डेवलप करी जिसे हम कह रहे हैं प्रोटोनिमा स्टेज, और प्रोटोनिमा स्टेज डेवलप होने के बाद में जब प्रोटोनिमा आगे ग्रो करेगा नेक्स्ट स्टेज आएगी जिसे हम कहते हैं लीफी गैमेटोफोर स्टेज। तो इस तरीके से इसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है। चलिए ये बात की जनरल कैरेक्टर्स के बारे में, ब्रायोसेटा क्लास के जनरल कैरेक्टर्स के बारे में, अब हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। देखिए जो इस क्लास का पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन है, काफी सारे क्लासिफिकेशन अवेलेबल है, जो सबसे ज्यादा प्रचलित मेजर इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है वो रीमर्स ने दिया था ईयर 1954 के अंदर। तो उन्होंने क्या किया, रीमर्स ने जो क्लास ब्रायोसेटा है जिसे हम क्लास मस्काई भी कहते हैं, इसको सब डिवाइड किया 5 सब क्लासेस के अंदर। पहली सब क्लास का नाम है स्फैगिडी, दूसरी सब क्लास है एंडिडी, थर्ड सब क्लास है ब्राइडी, फोर्थ है बक्स बॉडी एंड फिफ्थ इज पॉलीट्राइकिडी। अब देखिए इनके आगे और सब डिविजन्स हुए और वो सब डिविजन्स जिस पार्ट में किए गए वो कहलाते हैं ऑर्डर्स। अब देखिए जो पहली सब क्लास स्फैगिडी है इसका एक ही ऑर्डर है जिसका नाम है स्फैगिडेल्स, दूसरी सब क्लास एंडिडी जो है उसका एक ही ऑर्डर है एंड्रियल्स, थर्ड जो सब क्लास है ब्राइडी इसके 12 ऑर्डर्स हैं। क्या क्या नाम है उनके देखते हैं हम। पहला नाम है ऑर्डर का आर्किडियल्स, दूसरा है डाइकिडियल्स, थर्ड इज फिसिडेंटेल्स, फोर्थ इज पोशियल्स, फिफ्थ है ग्रेमियल्स, सिक्स्थ ऑर्डर है फुलेरियल्स, सेवेंथ है काइकोस्टेजियल्स, एट्थ है टेट्रास्पाइडियल्स, नाइन्थ है यूब्रायल्स, टेंथ ऑर्डर है आइसोब्रायल्स, 11th ऑर्डर है हेटेरियल्स एंड 12th ऑर्डर है हिप्नोब्रायल्स। तो ये 12 ऑर्डर है थर्ड क्लास ब्राइडी के। फोर्थ क्लास जो है, फोर्थ सब क्लास जो है बक्स वोमिडी, इसका एक ही ऑर्डर है जिसका नाम है बक्स वोमियल्स, और लास्ट जो सब क्लास है पॉलीट्राइकिडी उसके 2 ऑर्डर्स हैं। पहले ऑर्डर का नाम है पॉलीट्राइकिल्स एंड सेकेंड जो ऑर्डर है उसका नाम है डॉसोनियल्स। तो यहां हमने डिस्कस किया जो लास्ट क्लास है ब्रायोफाइट्स जो प्लांट्स हैं, ब्रायोफाइट प्लांट कैटेगरीज की लास्ट क्लास जो है ब्रायोसेटा, उसे हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लास में हम अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।